हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम ट्यूटोरियल्स में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। जानेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं आप प्रेसिडेंट बनने के। ये आपके काफ़ी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगा आपको। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उनके इलेक्शन और प्रोसेस के बारे में कि उनका इलेक्शन कैसे होता है। तो सारी जानकारियाँ इकट्ठा करने से पहले, जिस जिसने एग्ज़ाम ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि और भी स्टूडेंट्स को पता चल सके और वो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी में लग सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रेसिडेंट क्या होता है। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उनको हेड ऑफ़ द स्टेट भी कहा जाता है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। फिर और उनको फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया भी माना जाता है, फर्स्ट सिटीज़न ऑफ़ द कंट्री भी होते हैं जो हम लोग के प्रेसिडेंट होते हैं। आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ भी होते हैं। बात करें इनकी सैलरी की, तो इनका जो सैलरी होता है वो 5 लाख पर मंथ इन इंडियन रुपीस, और ये कर मुक्त होता है, इस पर टैक्स नहीं लगता है। और जो आर्टिकल 54 है वो डील करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन से। तो इस वीडियो में हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में ही बात करने वाले हैं कि वो कैसे नियुक्त होते हैं। और प्रेसिडेंट जो होते हैं इनका जो रेजिडेंस होता है वो राष्ट्रपति भवन होगा, ये सभी को पता होता है। तो चलिए और जानते हैं हम प्रेसिडेंट के पोस्ट के बारे में कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। तो प्रेसिडेंट बनने के लिए किसी पर्सन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए? पहली बात कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, इंडिया का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात, उसकी एज 35 साल या उससे ऊपर होनी चाहिए। तीसरी बात, एलिजिबल हो कि वो मेंबर बन सके लोकसभा का। और चौथी बात कि वो कहीं अपना खुद का कोई जॉब या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो उनका कोई भी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तब वो एलिजिबल होते हैं प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए और वो इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं प्रेसिडेंट के। तो बात यहाँ उठती है कि इलेक्शन होता कैसे है प्रेसिडेंट का। तो आइए जानते हैं कि कैसे होता है इलेक्शन प्रेसिडेंट का। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उनके इलेक्शन प्रोसेस में वोटिंग जो होती है वो सीक्रेट बैलेट के द्वारा होती है, और जो मेथड यूज़ किया जाता है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग मेथड कहते हैं। ये आम पब्लिक जैसे वोटिंग से नहीं होता है। इस मेथड में आपके जो रिप्रेजेंटेटिव आपने इलेक्ट किए हैं इलेक्शंस में वो वोट करते हैं आपकी जगह। और जो मेथड होता है इनमें एक फॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, और उस फॉर्म में जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 3 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं और उनको वोट करना है, तो जितने भी MPs MLA होंगे और जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो जब वोट करेंगे तो वो अपना प्रेफरेंस ऑर्डर भरते हैं। प्रेफरेंस ऑर्डर भरने के बाद चेक किया जाता है कि किसके पास सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस 1 पे लिया गया है। अगर कोई कैंडिडेट, मान लीजिए कि नंबर 1 पे जो कैंडिडेट है वो सबसे लीस्ट वोट पाया है तो उसको हटा दिया जाएगा। जिस जिसने वोट किया होगा उसको उसका सेकंड प्रेफरेंस काउंट किया जाएगा वोटिंग में, और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किसको मिल रही है। जिस भी कैंडिडेट को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलेगी उनको नियुक्त कर दिया जाएगा। तो ऐसा प्रोसेस होता है इनके इलेक्शन का कि किसी को पता नहीं रहता है, और ऐसे काउंटिंग होती है इनकी। चलिए देखते हैं और जानते हैं थोड़ा और इनके इलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो बात करते हैं कि इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, जो कि लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों से मिलके आपका पार्लियामेंट बनता है। तो आप ये जान लें कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ये पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में और वोट करते हैं। और वोट कौन कौन करता है? तो और वोट करते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑल इंडियन स्टेट 29 स्टेट्स जितने भी हैं उनके मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स वोट करते हैं।
और कौन वोट करता है? वोट करते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज। दो यूनियन टेरिटरी के भी इलेक्टेड मेंबर्स करते हैं वोट। वो यूनियन टेरिटरीज हैं आपकी दिल्ली और पुडुचेरी। इन दोनों के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं और वोट करते हैं। ये बात ध्यान रखें कि नॉमिनेटेड मेंबर जितने भी होते हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट बात है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए हम देखते हैं कि और प्रेसिडेंट के इलेक्शन के दौरान क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब ये सब प्रोसेस हो जाता है तो जो भी कैंडिडेट मैक्सिमम वोट्स सिक्योर करता है और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जिसकी बनती है आफ्टर वोटिंग, उन्हें इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेसिडेंट घोषित कर दिया जाता है। और उनकी जो ओथ सेरेमनी होती है वो एडमिनिस्टर्ड होती है बाय जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। टर्म की बात करें तो टर्म 5 साल की होती है। तो ये सारी जानकारियाँ हमने प्रेसिडेंट के बारे में जानी और इलेक्शन प्रोसेस को ठीक से समझा। तो अगर आपको कोई और भी टॉपिक के बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उस टॉपिक के बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एग्ज़ाम ट्यूटोरियल्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन में आपको एग्ज़ाम ट्यूटोरियल्स के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।